अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक सडन से मौसम चेंज हुआ है, एकदम से बारिश हुई है, हवा में शदीद खुनकी स्टार्ट हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका यही मतलब है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं जी। तो सर्दियों में चाय से भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ जो लोग बहुत ही पसंद करते हैं वो है कॉफ़ी। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करते हैं और कुछ लोग मिल्क वाली यूज़ करते हैं। दोनों तरह की कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है और सर्दियों में आप लोगों को एकदम से एनर्जेटिक करने के लिए इस्तेमाल होती है जी। तो आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी डेली की न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चले जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जी। तो ये हमारे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें कॉफ़ी के लिए चाहिए। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून शुगर, रॉ शुगर ली है मैंने, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, ये कॉफ़ी पाउडर लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ से मैं लूँगी 1 मग बॉयल मिल्क और इस सॉस पैन में मैं इसको गर्म कर लूँगी। उसके अलावा मैंने एक ये हैंड बीटर लिया है, आप लोग चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ मैनुअल वाला भी कर सकते हैं। ये देखें, ये ऐसे चलेगा, ठीक है जी। चलें जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जी। तो सबसे पहले यहाँ गैस ऑन कर लेंगे और एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम लोग दूध डाल देंगे। यहाँ जो ये मैंने मिल्क लिया है, ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, यानी बलाई वाला मैंने मिल्क लिया है। इससे कॉफ़ी का जो टेक्सचर आएगा वो बहुत ही क्रीमी आएगा। इसे अब सॉस पैन, इसके साथ मैंने एक विस्कर लिया है, विस्कर को मैं इसके अंदर इस तरह फेंटूंगी, दूध को तब तक फेंटूंगी जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता और इसमें बबल्स नहीं आ जाते। दूसरी साइड पे यहाँ मैंने एक मग लिया है, मग में मैं कॉफ़ी डालूंगी। कॉफ़ी मैंने पाउडर फॉर्म में ली है, ये 1 टीस्पून है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ली है। इसके अलावा मैं इसमें जो वाटर यूज़ कर रही हूँ वो 1.5 टेबल स्पून वाटर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, मतलब ना ये ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, हल्का सा ल्यूक वार्म मैंने लिया है। इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैं इसे विस्क करूँगी, तब तक बीट करूँगी जब तक ये अच्छी तरह से क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। यहाँ मैंने ये मैनुअल हैंड बीटर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसकी जगह फॉक या फिर स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा बीट करना पड़ता है और क्योंकि ये मैनुअल है तो ये जल्दी जल्दी इससे हो जाता है। यहाँ दूध में भी आलमोस्ट बॉयल आ चुका है, लेकिन अभी मज़ीद इसे थोड़ा सा मोर विक्स करेंगे जी। तो कॉफ़ी यहाँ हमारी रेडी है, ये देखें इसको, ये अच्छी तरह से क्रीम फॉर्म में आ चुकी है। अभी ये थोड़ा सा और अगर आप करना चाहें तो इसको और भी बीट कर सकते हैं। दूध ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, अब हम इसे कॉफ़ी के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसे ज़रा हम ऊपर करके डालेंगे ताकि अच्छी तरह से झाग बने, इससे इसका काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आता है जी। तो दूध मैंने शामिल कर लिया, मैं इसे अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लूँगी, हिला लूँगी एक दफ़ा अच्छी तरह से, इसमें बीट कर लूँगी। जी तो ये कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी ही स्प्रिंकल कर दी है, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट या कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।